जैन सैनिक भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज सरकार द्वारा प्रशासन के थ्रू बहुत सा अड़ंगा डालने की कोशिश की और पूर्व सैनिकों को जंतर मंतर पर घुसने के लिए काफ़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ी और ये तकलीफ़ें पिछले 4-5 दिन से ज़्यादा बढ़ गई हैं। शायद सरकार सोच रही है कि पूर्व सैनिक पहलवानों की तरह मजबूत नहीं है, लेकिन सरकार शायद गलत फहमी में जी रही है कि पूर्व सैनिक डिसिप्लिन में रहते हैं और वो कोई हुड़दंग नहीं करेंगे। लेकिन सरकार को ये जताना ज़रूरी है, पूर्व सैनिक किसी भी तरह से पहलवानों से कमज़ोर नहीं है और इसी प्रकार सरकार अड़ंगा लगाती रही तो पूर्व सैनिक और भी बड़ा कदम उठा सकते। भाई मैं कपिल फौजी, सैनिक भाई भाई हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोगों तक, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे पूरे सैनिक समाज को जो जंतर मंतर पर धरना चल रहा है वो उसके अंदर क्या क्या भी कठिनाई आ रही है तो उनको पता लग जाए, हमारे जो सैनिक भाई पूरे देश में है और इसके साथ में केंद्र सरकार को भी पता लग जाए कि जो सैनिक समाज है वो पहलवानों से कम नहीं है। कि जो पहलवान आज जंतर मंतर के ऊपर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 24 घंटे वहां रह रही, कहीं सैन्य कहीं केंद्र सरकार हल्के में लेगी वो पूरे सैनिकों को कि वो रोकेंगे टोकेंगे अड़चने पैदा करेंगे बैरिकेड लगा देंगे फौजियों को अंदर नहीं जाने देंगे? क्योंकि अभी 3-4 दिन में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है हमारे जो भी सैनिक भाई जो जंतर मंतर के ऊपर बैठे हैं, जो 28 लाख भूतपूर्व सैनिकों की आवाज को लेकर बैठे हुए हैं, तो केंद्र सरकार पूरा रुकावट डाल रही है। अभी वो किसी भी तरह से डालो, प्रशासन को बीच में लेके आओ, कैसे भी लेके आओ, आप वीडियो देख सकते हो इसके अंदर। जबकि 75-76 दिन से जो सैनिकों का आंदोलन हो बहुत ही शांतिपूर्वक है और सबसे बड़ी बात यह कि विपक्ष पार्टी को उस आंदोलन में नहीं लेके आया गया, अभी तक किसी भी राजनेता की एंट्री नहीं करने दी है, किसी भी जो वर्तमान में जो सम्मानित पदों पे बैठे हैं मान्य पदों पे बैठे हैं उनके खिलाफ में एक शब्द नहीं बोलने दिया। तो भाई केंद्र सरकार क्या कह रही है कि वो फौजियों को जो बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है कि शांतिपूर्वक आप अपने भेदभाव की आवाज उठा सकते हो उसमें रुकावट क्यों डाल रही है? भाई जब शांतिपूर्वक चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो या तो केंद्र सरकार के दिमाग में कोई बीमारी होगी कि वो यह सोच रही है कि पहलवान ताकतवर है फौजी ताकतवर नहीं। तो मैं केंद्र सरकार को बिल्कुल कान खोल के नहीं, अगर कान में कुछ मैल है तो सीख डाल के उसको पहले मैल को बाहर निकाल लो कि लेने के देने पड़ जाएंगे। केंद्र सरकार को अगर 72 घंटे की भी कॉल होगी दिल्ली के अंदर तो फौजियों को संभालना मुश्किल हो जाएगा केंद्र सरकार के लिए। जो चीज चल रही है शांतिपूर्वक चल रही है, संविधान के दायरे में चल रही है, अरे बात खत्म करो आप। केंद्र सरकार 3 रिटायर्ड माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों की कमेटी बना के इस बात को खत्म करो, हमारे को नहीं चाहिए। रक्षा मंत्रालय के IAS अधिकारियों की कमेटी, हमारे को नहीं चाहिए रिटायर्ड सेना के अधिकारियों की कमेटी, और नहीं चाहिए हमारे को जो सफेद कुर्ता पजामे वाले जो नेता हैं जो भ्रष्ट हैं उनकी कमेटी। हमारे को तो विश्वास है माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों पर।